हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था व्हाट आर अमाइंस, बराबर है, अमाइंस कैसे बनते हैं, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन दिखा था, प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं, टर्शरी अमाइंस कैसे क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके कुछ यूजेस देखे थे, बराबर है। बाद में अमाइंस को किस प्रकार से बनाते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस देखे थे, और अभी हमको क्या करना था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस दैट इज द थिंग बेटी, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, ये हमको आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले अमाइंस, अमाइंस को लिखते कैसे है, अगर हमको प्राइमरी अमाइंस लिखना है तो हम क्या करेंगे, आर अल्किल ग्रुप डैश एन एच टू, इन दैट वे दैट एन एच टू ग्रुप इज नथिंग बट दी प्राइमरी अमाइंस। अगर हमको सेकेंडरी अमाइन लिखना रहता तो हम कैसे लिखे रहते, सेकेंडरी अमाइन को आर एन आर एच, ये आपका सेकेंडरी अमाइन होता, इज इट क्लियर। और आपका टर्शरी अमाइन कैसे होता, एन आर आर आर, और इस प्रकार से। और अगर क्वार्टरनरी बनता, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो किस प्रकार से रहता, एन आर आर आर, यहाँ पे क्या होता था, प्लस और सम हैलोजन, अगर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता तो इस प्रकार से ये टर्शरी हो गया, टर्शरी अमाइन, और ये क्वार्टरनरी अमाइन, इज इट क्लियर। तो हम इस प्रकार से अमाइन को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अभी बेटा यहाँ पे देखिए, आपको ये जो प्राइमरी अमाइन दिखा है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड एज द लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैसे नाइट्रोजन के ऊपर, ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है बेटा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिख रही है, नाइट्रोजन ने यहाँ पे तीन बॉन्ड बनाए हैं, एक हुए आपका अल्किल के साथ और दो बचे हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, इज इट क्लियर। अब आपको पता है, एक बॉन्ड बनने के लिए नाइट्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन और अल्किल को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसका मतलब है, नाइट्रोजन ने यह इस प्रकार बॉन्डिंग बनाने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या किए हैं, शेयर किए हुए हैं, किसके साथ, अल्किल के साथ। तो दैट इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो यहाँ पे आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। पर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते कितने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है 5। अब ये 5 में से क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, इसका मतलब है बचे हुए नाइट्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, दैट रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ पेयर एंड दैट पेयर इज नोन एज लोन पेयर, इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से प्राइमरी अमाइन रहे या सेकेंडरी अमाइन रहे या टर्शरी अमाइन रहे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर। ये तो ऐसे ही हो गया, जैसे अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बराबर है, इज इट क्लियर। तो अब आपको पता है कि अमोनिया एक्ट एज अ लेविस बेस बिकॉज जनरली इट गिव्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अदर। तो जब आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस, क्या बोलते हैं, तो लेविस बेस। तो आपका अमोनिया क्या है, लेविस बेस। उसी प्रकार से अमाइंस के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट। अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो अमाइंस भी क्या हो जाएगा, अमाइंस आर लेविस बेस, इज इट क्लियर। तो अमाइंस भी आपका क्या है, लेविस बेस है, दैट इज नथिंग बट डी अमाइंस हैव बेसिक इन नेचर, इज इट क्लियर। तो अमाइंस आपका लेविस बेस है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस एसिड एंड थ्योरी, अमाइंस आर लेविस बेस। उसके बाद एन अमाइंस ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड
लॉरीज बेस ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लॉरीज, लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरीज ब्रेस लॉरी बेस। तो अमोनिया इज ऑल्सो सॉरी अमाइंस इज ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस। क्या होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस? ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस इज नथिंग बट डी, इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। मीन्स ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस इज ए कंपाउंड विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। जो एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉरीज, ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस। सो अमाइंस इज ऑल्सो अ ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस, इट ऑल्सो लेविज बेस। इज इट क्लियर? तो अमाइन आपका क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस है बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन विच वॉज गिवन बाय एसिड्स। इज इट क्लियर? उसके बाद अमाइंस इज ऑल्सो एक्ट एज अ लेविज बेस बिकॉज इट जनरली डोनेट्स वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अदर कंपाउंड। इन दिस वे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन ऑल आर एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरीज बेस एज वेल एज लेविज बेस। इज इट अंडरस्टैंड? पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ गया कि अमाइंस क्या है बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं तो अगर हम इसकी रिएक्शन हैलो एसिड के साथ करेंगे तो आपको पता है व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या बनाता है वो? सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नथिंग बट डी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अमाइंस आपका बेसिक नेचर का है तो हम अगर इसकी रिएक्शन किसी एसिडिक हैलो एसिड के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलेंगी वहाँ पे? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, बराबर है? और वो सॉल्ट का जो नेचर रहेगा उसको हम सॉल्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें प्लस माइनस दोनों आपको आयंस दिखाई देंगे। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अमाइंस क्या है? आपके बेसिक नेचर के हैं। तो हम देखते हैं कि हैलो एसिड के साथ अमाइंस की रिएक्शंस होती कैसे हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमाइंस निकालते हैं आर डैश एन, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, एन एच टू व्हेन रिएक्ट विथ अल्किल सॉरी हैलो एसिड कोई भी हो सकता है वो, जैसे कि एस सी एल वगैरह, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? एच एक्स, एच एक्स, ये क्या है आपका? हैलो एसिड, हैलो एसिड सच एज एस सी एल, एच बी आर या फिर एच आई। इज इट क्लियर? इनमें से कोई भी रह सकता है हैलो एसिड। और ये आपका क्या हो गया? अमाइंस, ठीक है, ये अमाइंस हो गया। अब इनकी रिएक्शन करना है आपको, क्या बनना चाहिए बेटा, क्या बनेगा? देखिए अब यहाँ पे एच एक्स है और यहाँ पे आर एन एच टू है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा और आपको यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगा, यानी जो दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आयन बनने वाले, ये प्लस माइनस है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, बराबर है? अब अल्किल अमोनिया अमाइंस में क्या होता है, ये जो प्लस है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आर एन एच थ्री सॉल्ट मिलेगा, आर डैश एन एच थ्री एक्स, बराबर है? दैट इज नथिंग बट, अब एन एच थ्री क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? सॉल्ट। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो वेन अमाइंस ये कौन से नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं, तो ये बेस करके एक्ट होता है। और हैलो एसिड क्या है आपका? एसिड। तो वेन बेस कंबाइन विथ एसिड फॉर्म्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म्स सॉल्ट, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट मिला है आपको। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन आपको बताता है कि अमाइंस क्या है? बेसिक नेचर का है। यहाँ पे जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी जैसे आपको अमाइंस और हैलो एसिड कंबाइन होकर सॉल्ट मिलाता है वैसे ही सॉल्ट का डिकम्पोजिशन होता है तो आपको फिर से अमाइंस और हैलो एसिड मिल सकते हैं। तो इन दैट वे क्या होता है कि अमाइंस एक्ट एज अ बेस। इज इट क्लियर? अब हम एक नेक्स्ट इसके लिए कोई एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इथिलामाइन, इथिलामाइन लेते हैं C2H5NH2, दैट इज नथिंग बट डी इथिलामाइन, प्राइमरी अमाइन है ये, प्राइमरी
अमाइन दैट इज नथिंग बट डी इथेलामाइन, इथेलामाइन। और अभी इसकी रिएक्शन देखते हैं HCl के साथ, बराबर है, बिकॉज HCl इज अवर हेलो एसिड। तो व्हेन इथेलामाइन रिएक्ट विथ HCl दे फॉर्म C2H5, इज इट क्लियर, दे फॉर्म C2H5 NH3 प्लस Cl माइनस, दैट इज नथिंग बट डी इथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? इथिल अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड इज नथिंग बट डी सॉल्ट। ये क्या है बेटा? सॉल्ट। तो आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन का नेचर है वो बेसिक नेचर है, क्योंकि HCl आपका क्या होता है? एसिड। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस आपका खत्म होता है। जैसे आपको एलिफेटिक अमाइंस क्या बनाते हैं? हेलो एसिड के साथ रिएक्शन देके सॉल्ट बनाते हैं, वैसे ही आप एरोमेटिक अमाइंस को लेके भी क्या कर सकते हो? सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हो। तो उसके लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। मान लीजिए कोई एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक अमाइंस है आपके पास, यानी एनिलीन वगैरह है, ये बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा होता है? फिर NH2। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे फिर, बराबर है, और यहाँ पे H2। तो ये एनिलीन है आपका, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, बराबर है, और एरोमेटिक अमाइंस है, प्लस इसके साथ आपने HCl की रिएक्शन किया, क्या मिला आपको? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बेंजीन रिंग बिल्कुल सेम अल्किल के जैसा, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर क्या हो जाएगा? NH3, बराबर है, प्लस Cl माइनस। नाइट्रोजन पे वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा भाई, ठीक है, तो NH3 प्लस Cl माइनस। तो दिस इज नथिंग बट डी एनिलीन क्लोराइड। क्या है? एनिलीन क्लोराइड, एनिलीन क्लोराइड। तो आप इस पे से समझ सकते हो कि भले ही फिर आपका वो अमाइंस एलिफेटिक अमाइंस रहे या एरोमेटिक अमाइंस रहे, बराबर है, वो जब क्या हेलो एसिड से साथ रिएक्शन करेगा तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी के द्वारा क्या करेगा? सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा हेलो एसिड के साथ रिएक्ट होके। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस आपको समझ गया है। तो अभी इसके थोड़े से और डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। अब आपको पता है बेटा, अगर ये बेसिक नेचर का है और ये 100% अगर डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे एक आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है जिसको आप KB लिखते हो, बराबर है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कैसे, तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस कैन बी अंडरस्टूड, द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस कैन बी अंडरस्टूड, कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KB एंड PKB। अब ये KB क्या होता है और PKB क्या होता है ये हम देख लेंगे। तो वॉट इज मीन बाय KB? KB होता है बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड व्हाट इज मीन बाय PKB? PKB का मतलब होता है द निगेटिव लॉगरिदम ऑफ, लॉगरिदम बेस्ड हैविंग बेस 10 KB इज नथिंग बट डी PKB। तो इसके आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर KB आपका ज़्यादा है तो डिसोसिएशन क्या रहेगा उस बेस का? ज़्यादा रहेगा, और उतना क्या मिलेगा वो बेसिक नेचर उसका हाई रहेगा। तो आप यहाँ पे याद रखना है, इफ़ KB इज हाई देन द बेस इज स्ट्रांग, देन द बेसिक नेचर ऑफ और बेस है ना इज स्ट्रांग, समझे क्या? इफ KB, द वैल्यू ऑफ KB इज हाई, इफ द वैल्यू ऑफ KB इज हाई देन द बेस इज बेस, द नेचर ऑफ बेस इज स्ट्रांग, देन द नेचर ऑफ बेस इज स्ट्रांग। इज इट क्लियर? और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इफ
PKB वैल्यू इज हाई देन द नेचर ऑफ बेस इज वीक. इज इट क्लियर? यानी जिस बेस का KB वैल्यू ज़्यादा रहेगा, दैट इज नथिंग बट द बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वैल्यू ज़्यादा रहेगा, वो बेसिक नेचर ज़्यादा दिखाएगा, बराबर है, और वो ज़्यादा स्ट्रांग बेस करके एक्ट होगा. और जिस इसका PKB वैल्यू हाई रहेगा बेस का, समझ लीजिए कि वो आपका वीक बेस है. इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू नीट और MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू. आपके लिए ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो KB इज मोर देन द बेसिक नेचर ऑफ दैट अमाइंस इज मोर, ठीक है. अब ही PKB वैल्यू इज मोर देन द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइंस इज वीक. इज इट क्लियर? तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे अभी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप भी बता पाओगे मेरे को कि कौन सा ज़्यादा बेसिक नेचर का रहेगा एंड कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग बेस करके काम में आएगा और कौन सा वीक बेस करके काम में आएगा. तो चलो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक दो एग्जांपल देखते हैं. जैसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी क्या करते हैं अल्किल अमाइंस के लिए. तो प्राइमरी अल्किल अमाइंस, अब ये इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्राइमरी अल्किल अमाइंस के लिए. सबसे पहले दिया है इथेन अमाइन और इथिल अमाइंस भी बोल सकते हो आप. इथेन अमाइन और इथेमाइन की KB वैल्यू जो दी है, KB और PKB ये दोनों की वैल्यू दी है इथेन अमाइन की. तो हम अभी देखते हैं उसकी KB वैल्यू कितनी है और PKB वैल्यू कितनी है, ठीक है. तो इस प्रकार से हम एक बॉक्स बना लेंगे और जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी और आप इससे बता पाओगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग बेस करके काम में आएगा और कौन कम वीक बेस करके काम में आएगा. तो KB वैल्यू ऑफ इथेनामाइन वॉज गिवन टू बी 5.1 × 10⁻⁴. सो 5.1 × 10⁻⁴, इज इट क्लियर? अब ये दिया है आपको वैल्यू KB का. उसके बाद इसमें PKB वैल्यू दिया है 3.29. इसका PKB वैल्यू कितना है 3.29, इज इट क्लियर? उसके बाद आप दूसरा एग्जांपल लोगे प्राइमरी अमाइंस का, क्योंकि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग बेस है और कौन सा वीक बेस है. तो दूसरा एग्जांपल आपके लिए दिया है फिनिल मिथेनामाइन. फिनिल अब यह एरोमेटिक अमाइंस लिया है, फिनिल मिथेनामाइन और इसका KB वैल्यू दिया है 2.0 × 10⁻⁵, दैट इज नथिंग बट दी KB वैल्यू ऑफ फॉर फिनिल मिथेनामाइन. और PKB वैल्यू दिया है 4.70. अब मेरे को बताइए बेटा, इसमें स्ट्रांग बेस कौन सा है और वीक बेस कौन सा है. अगर आपको इसमें कंपेयर करना है कि इथेनामाइन और फिनिल मिथेनामाइन में आपको स्ट्रांग बेस कौन सा है, तो आप क्या करोगे, जस्ट लुक एट द वैल्यू ऑफ KB एंड PKB. यहाँ पे KB की वैल्यू देखो, इथेनामाइन की 5.1 × 10⁻⁴ है और फिनिल मिथेनामाइन की वैल्यू 2.0 × 10⁻⁵ है. इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपको अगर देख पा रहे हो तो आपको थोड़ा डिसाइड करने के लिए तकलीफ जा रही कि कौन सा हाई वैल्यू है और कौन सा लो वैल्यू है. पर आप अगर लुक एट दिस PKB वैल्यू, तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है. तो देखो PKB वैल्यू फॉर फिनिल मिथेनामाइन इज मोर. अब अगर PKB वैल्यू किसी कंपाउंड की ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो क्या होता है, वीक बेस. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वीक बेस. क्या हो जाएगा, वीक बेस. क्यों? क्योंकि इसकी PKB वैल्यू क्या है, ज़्यादा है. इसका मतलब है KB वैल्यू कैसी है उसकी, लो. समझे क्या? अगर KB वैल्यू लो है, इसका मतलब है वो क्या होता है, वीक बेस. इज इट क्लियर? समझ रहा है क्या आपको? हाँ, इसमें देखो PKB वैल्यू कैसा है, PKB वैल्यू छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रांग बेस एज कंपेयर टू दिस. समझे क्या? तो दिस इज अ स्ट्रांग बेस और KB वैल्यू कैसी है, हाई, इसलिए ये क्या है, स्ट्रांग बेस. इज इट क्लियर? अरे समझ रहे हो क्या? तो इथेनामाइन इज अ स्ट्रांगर बेसिक नेचर देन फिनिल मिथेनामाइन. इज इट क्लियर? समझ रहे हो?
तो फिनिल मिथेनामाइन ये वीक बेस होता है और इथेनामाइन आपका क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है। फिर हम सेकेंडरी अमाइन के लिए भी देखेंगे, तो सेकेंडरी अमाइन में हम देखते हैं, ये प्राइमरी अमाइन को निकाल देते हैं, यहाँ पे अभी हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, उसके लिए हम दो एग्जांपल देखेंगे सेकेंडरी अमाइन का, उसका पीकेबी वैल्यू कितना है, केबी वैल्यू कितना है वो पता करेंगे, और उसमें स्ट्रांग बेस कौन सा है और वीक बेस कौन सा है वो पता करने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये सब एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक के भी किताब में दिए हुए हैं, फिर भी आपको उसमें से पॉइंट आउट करना है और जिससे समझ लेना है, क्योंकि इस प्रकार से नहीं दिया है वीक बेस और स्ट्रांग बेस के तौर पर। तो सेकेंडरी अमाइन में आपको उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यन इथिलामाइन और यन मिथिल मिथेनामाइन, तो यन मिथेनामाइन लिखते हैं, यन मिथेनामाइन और यन इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है, यन मिथेनामाइन एंड यन इथेनामाइन, ये आपको है ना, यन मिथिल मिथिल मिथेनामाइन, यन मिथिल मिथेनामाइन है, यन मिथिल मिथेनामाइन और यन इथिल इथेनामाइन, यन इथिल इथेनामाइन। तो ये दोनों एग्जांपल आपको एज अ किसके तौर पर दिए है, सेकेंडरी अल्किल अमाइंस के तौर पर दिए है। तो पहले एक इसका पीके केबी वैल्यू कितना है हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो केबी वैल्यू दिया है यन मिथिल मिथेनामाइन का, वो दिया है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यन मिथिल मिथेनामाइन का केबी वैल्यू दिया है 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड द यन इथिलामाइन का वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। उसके बाद यन मिथिल मिथेनामाइन का जो वैल्यू दिया है केबी का, वो दिया है 3.27 और इसका वैल्यू दिया है 3.00। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि पीकेबी वैल्यू किसका ज़्यादा है, पीकेबी वैल्यू मिथिल मिथेनामाइन का ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो गया बेटा, वीक बेस, क्या हो गया, वीक बेस। इज इट क्लियर? इसका मतलब है इसका केबी वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, किससे, इसके केबी वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रांग बेस, क्योंकि इसका पीकेबी वैल्यू कम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रांग बेस। तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक के इसमें आपको सेकेंडरी अमाइन का भी, अल्किल अमाइन का भी एग्जांपल लिया है और टर्शियरी अल्किल अमाइन का भी लिया है, तो आप अपने किताब में देख सकते हो और उसको अच्छे से स्टडी करके बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस क्या होता है उसको आप टैली कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, द बेसिक नेचर्स ऑफ एलिफैटिक अमाइंस। इसमें हम अभी क्लासिफाई करते हैं द बेसिक नेचर ऑफ, द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस। तो बेटा जो बेसिक नेचर होता है एलिफैटिक अमाइंस का वो कैसे वैरी होता है देखते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस शुड बी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स। इसका मतलब है द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा आपका बेसिक नेचर का क्या रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल दैन सेकेंडरी, सेकेंडरी अर्शोल अल्कोहल इज मोर बेसिक दैन प्राइमरी। तो आपको ऑर्डर क्या मिलेगा, द बेसिक नेचर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस शुड बी देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एन एलिफैटिक अमाइंस इज टर्शरी अमाइन,
टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस. सेकेंडरी अमाइंस इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइंस. आपको पता है बेटा टर्शरी अमाइन में तीन तीन अल्किल ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी में दो होते हैं और प्राइमरी में एक होता है. तो इसका मतलब है जहाँ पे अल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा. तो आपको याद रखना है, मैं ये एलिफेटिक अमाइंस के लिए लिख रहा हूँ. द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ एन एलिफेटिक अमाइंस शुड बी इन दिस वे. थर्ड टर्शरी अमाइंस इज मोर बेसिक दैन सेकेंडरी अमाइंस. सेकेंडरी अमाइंस इज मोर बेसिक दैन प्राइमरी अमाइंस. इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है. उसके बाद दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है. द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस शुड बी. अब यहाँ पे देखिए, जब ये पानी में जाते हैं बेसिक नेचर, जब आप इसका एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेशन प्रोसेस होती है. सॉल्वेशन प्रोसेस में ये क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं, पास में नहीं आने देते, जिससे क्या होता है ग्रेट. यहाँ पे इसका साइज भी कैसे होता है, ज़्यादा होता है. तो ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर इज द सॉल्वेशन एंड लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयन. ये चीज़ आपको पता है, इसीलिए यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाता है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में. स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाता है जिससे अल्किल ग्रुप क्या हो जाता है, द अल्किल ग्रुप्स डिक्रीजेस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी सॉल्वेशन में वो वाटर मॉलिक्यूल को पास में नहीं आने देते. एंड देयर फोर दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस शुड बी क्या रहना चाहिए, द ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस बेसिक बेसिसिटी ऑफ बेसिसिटी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एलिफेटिक ऑफ एलिफेटिक अमाइंस अमाइंस शुड बी क्या रहना चाहिए था, शुड बी प्राइमरी अमाइंस इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस. सेकेंडरी अमाइंस इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइंस. तो देखो ये बेसिक नेचर है और ये बेसिसिटी है. यू नो दैट बेसिसिटी क्या होता है ना, इट इज़ द एबिलिटी टू है ना न्यूट्रलाइज द एसिड. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस एलिफेटिक अमाइंस एंड द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस. द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस. इज इट क्लियर? अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें. इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, द बेसिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, उसका बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है. तो बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, ये सब बेटा एमसीक्यू इसके ऊपर पूछे हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक अभी यहाँ पे ले रहा हूँ. द बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन. बेटा अब ये बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एनिलिन किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप जो रहते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एनिलिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, डैश ओ सी एच थ्री एसिटॉक्सी बराबर है इथॉक्सी, या फिर डैश मिथॉक्सी यार मिथिल डैश मिथिल, या फिर डैश एन एच टू, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को ये जल्दी से जल्दी दे देते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो देखो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसमें क्या हो जाता है, द बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. यानी ऐसा सब्स्टिट्यूट एनिलिन जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है उसकी बेसिसिटी कैसी रहेंगी, ज़्यादा. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन. इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन इसका मतलब है एनिलिन यानी अमाइंस, तो एरोमेटिक अमाइंस को हम एनिलिन बोलेंगे. तो द बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एनिलिन कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसके साथ अटैच होगा. और जो इलेक्ट्रॉन
विड्रॉलिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग विड्रॉलिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप कौन से होते हैं तो बेटा डैश एन ओ टू बराबर है डैश एन ओ टू कॉमा डैश सी सिक्स एच फाइव कॉमा डैश एस